टमाटर भी इतने टमाटर का देखो कितनी सफाई से टमाटर इन्होंने काटे हुए हैं। अमन जी आप यहाँ पे कब से आ रहे हो और आपको कैसा टेस्ट लगा यहाँ पे? मैं तो कम से कम 2-2.5 साल से आ रहा हूँ। भैया ने तवा पूरा सजा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैड फैट फूडी में। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जो अपने आप में ही बहुत यूनिक है। आपने छोले कुलचे बड़े खाए होंगे और छोले फ्राई भी बड़े खाए होंगे, लेकिन आपने कुलचा फ्राई नहीं खाया होगा। हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जो आपके सामने लगाएंगे छोलों को साथ में कुलचों को लाइव तड़का। ये भैया करते हैं तवे पे कुलचे फ्राई और छोले। चलो आओ देखते हैं कैसे ये फ्राई करते हैं और कैसे ये सर्व करते हैं। तो चलो अब आपको भैया के पास लेके चलते हैं। ओनर साहब, इनकी प्रिपरेशन कैसी है? प्रिपरेशन कैसी है और ये कैसे बनाते हैं सारा कुछ आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों आ चलते हैं करण जी के पास और देखते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे ये अपने यहाँ पर छोले और कुलचे बनाते हैं और किस तरह से ये छोलों के साथ साथ कुलचे भी फ्राई करके देते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। आइए अमन जी। लो जी दोस्तों डल गया ये बिल्कुल, दिल खोल के करण जी ने डाल दिया अपने तवे के ऊपर मक्खन। भैया कौन सा बटर यूज करते हो आप? अमूल और न्यूट्रालाइट दोनों। और ये अमूल और न्यूट्रालाइट का मिक्सचर है जो इन्होंने तवे पे डाला है। और अमन जी देख रहे हो ये ढेर सारे प्याज जो तवे पे डाले जा रहे हैं, अभी पूरे फ्राई होंगे, गुलाबी हो जाएंगे ये। गुलाबी होने के बाद और एक चीज देखो व्यूअर, ये प्याज चाहे 8 रुपए किलो चाहे 80 रुपए किलो, ये हमेशा इतने ही डलते हैं। वो उसी क्वांटिटी में देते हैं भैया, उसमें कोई कंजूसी नहीं होती। दिल खोल के प्याज डाल रहे हैं। सुनहरा रंग आप होते हुए आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे प्याजों का रंग सुनहरा भी हो रहा है। तो आप खुशबू देख रहे हो जो प्याजों में से आ रही है? हम तो देख सकते हैं, अपने व्यूअर से खुशबू नहीं दिखा सकते। ये भैया धनिया डाल रहे हैं, ये ऊपर से कसूरी मेथी, क्या कमाल है। अच्छा भैया एक बात ना, टोटल कितने मसाले डालते हो आप इसमें? अच्छा सभी जो गरम मसाले हैं सब रेडीमेड लेके आते हो करण जी? हाथ की कुटी हुई मिर्ची भी हाथ की कुटी हुई है। अच्छा मतलब सेल्फ मेड मसाले हैं इनके घर पे। तो ये सुनने में ऐसा कुछ है क्या ये आप ही ने शुरू किया व्यापार या फिर पहले से कर रहे थे यहाँ पे काम? ये तो मैंने स्टार्ट करा है। ये आपने स्टार्ट करा? तो आप मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल से आप कर रहे हो काम? पहले आपके फादर साहब वगैरह करते थे? हाँ वो करते थे, वो थोड़ा हल्का काम करते थे, मतलब कि वैसे कम लगाते थे उस चीज़ पे। वो ऐसे फ्राई वाले नहीं बनाते थे? बनाते थे ऐसे पर कम करके। अच्छा ठीक है, क्वांटिटी कम रखते थे वो। दोस्तों ये जो व्यापार है इनके पिताजी ने स्टार्ट किया था, इनके फादर साहब ने स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने जिस बुलंदी तक जिस ऊंचाइयों तक इसे ऊंचाया है वो आप देख सकते हो। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे फूड ब्लॉगर्स हैं जो यहाँ पर आगे इनको कवर करते हैं। और बात करूँगा कि इतनी बुलंदियों पर आने के बाद भी फिर भी टेस्ट में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये लो टमाटर भी इतने टमाटर का देखो कितनी सफाई से टमाटर इन्होंने काटे हुए हैं अमन जी, देखते तवे पे जैसे ही टमाटर डले हैं तवे की रंगत बदल गई है। बिल्कुल लाली आ गई तवे में। मतलब ये जो टमाटर प्याज का मिक्स मसाला बन रहा है कसूरी मेथी डले हुए और इनके अपने मसाले डालने के बाद ये लाजवाब होने वाला है। इसमें कोई ना शक ही नहीं है कि ये लाजवाब ना हो। आधे घंटे बाद टाइम दिया है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। भैया का आज भी एकदम राजधानी की स्पीड की तरह फटाफट चल रहा है। ये डल गया है नमक, नमक डाल लाल मिर्च, लाल मिर्च डालने के बाद अब ये इनका गरम मसाला। ये गरम मसाला इनका बोलना है कि 16-17 मसाले इन्होंने एक साथ कूटने के बाद ये गरम मसाला अपने घर पे बनाया। सेल्फ मेड है कोई? सेल्फ में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे से हिलाया जा रहा है इसको मसाले का। पुराने जायके में ना यही बात है कि वो आपको अपनापन देते हैं एक तरीके से, अपनापन लगता है खा के भी इंडियन फील आती है और ऑथेंटिसिटी जो है उसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। कैमरामैन साहब उधर दिखाओ कि कस्टमर किस तरह से वेट कर रहे हैं और अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं तवे की तरफ, मुंह में पानी आ रहा है देखते हुए कि कैसे कितनी जल्दी हमें ये मिल पाएंगे। लेट्स सी ये खट्टा पानी डाल रहे हैं, चेक करना
ये इमली का पानी छोलों के अंदर डाला जा रहा है और अच्छे से जैसे अदरक मसाले ठीक है, अदरक और मसाले का पानी, अदरक का मसाला है और ये बाकी मसाले डाल के चटपटे छोले बनाएंगे भैया। अब ये प्रॉपर मिक्सिंग। लो सर देखो जरा कि किस तरह से रश है इनके पास। अमन जी क्या कहोगे इस बारे में, लोग किस बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो देख देख के इतनी जबरदस्त तरीके से भूख लग रही है यार। हमारे चैनल का नाम ही है ना मैड फैट फूडी। असी पागल भी हैं ते भूखे भी हैं ते मोटे भी हैं। ना मैं ते है नहीं, तुसी अपना देख लो। मैं हो रहा हूँ खा खा के थोड़ा। मेरे से ना कलर से नजर नहीं हट रही, जो मसाले डाले हैं ना, जो रंगत आ गई अब देखो एकदम बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होगा हमारे व्यूवर्स को भी, है ना, डिलीशियस लग रहा है ये। मेरे से रुका भी नहीं जा रहा कि भैया जल्दी बना के हमें सर्व करें। मुझे लगता है जो आसपास रहने वाले हैं मायापुरी के, ओए होए 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 डल गए छोले। लो जी अब लगेगा असली तड़का। स्टैंड हो चुका है ट्रैक पे और ये डल गया। लो सर भैया ने तवा पूरा सजा दिया है और आप देख सकते हो कि अब कुलचे इस पर डालेंगे और भैया ने सर्व करना है। मुझे लगता नहीं कि हमारा नंबर भैया पहले लगाने वाले हैं, पहले जो इनके पहले के कस्टमर खड़े हैं ना, मुझे लगता है बारी बारी से देंगे सबको। ये इंडियन रेलवे से भी ज़्यादा वेटिंग यहाँ चल रही है। सफर का फल मीठा ही होगा। मीठा नहीं होगा, तीखा होगा। व्यूवर्स तो आपको अगर छोले कुलचे खाते हुए मिर्च लगती है या आपको लगता है कि आपको तीखा लग गया है तो इनसे आप मीठे मीठी मीठी सी लस्सी भी पी सकते हो। और मीठी लस्सी भी ये बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट वाली मीठी लस्सी, कमाल है ना। बिल्कुल सही में कमाल है भैया। अब तो वेट हो नहीं रहा, अब हमारे लिए लगा दो जो जो है सब कुछ, एक दो दो प्लेट लगा दो और अब हमें भी सर्व करो, हमसे अब रुका नहीं जा रहा। अब कुलचे का लो दोस्तों, दोबारा से डल गया तवे के ऊपर अमूल बटर के अंदर। अब ये दूसरी बार डालने का इनका मुझे, हाँ फिर कसूरी मेथी। और लगता है आपको ये अभी तक इन्होंने ट्रेनिंग छोलों के साथ की थी, अब कुलचे को ट्रेनिंग करेंगे। हाँ ओके, वाह जी वाह। हरी मिर्च ये फ्राइड मिर्च जो है ना, मेरे को किसी भी फूड के साथ, मैं घर पर जब नाश्ता करूँ डिनर करो, मुझे मिर्च बड़ी पसंद है। अलग से फ्राई करी हुई, अलग से फ्राई करी हुई ना मिर्च, और एक छोले कुलचों के साथ तो मुझे लगता है अलग ही जायका आता है इसका। यही बोलना है हमारे करण जी का, अच्छे से फिर इसको सुनहरी करा जाएगा अमन जी। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंतजार कैसे करे, रुका तो जा नहीं रहा यार। भैया को भी तबीयत से अपने बनाने दो कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ भैया भी नहीं करते, भले 50 बंदा सामने खड़ा है लेकिन भैया पूरा टाइम लेके और क्वालिटी टेस्ट से बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए सर्व करते हैं। अगर टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया होता तो मुझे लगता नहीं कि इतना रश होना था यहाँ पे। देख लो व्यूवर्स यहाँ पे भैया ने प्याज का पहाड़ी बना दिया, लोग तेल का ताड़ बनाते हैं, भैया ने प्याज का पहाड़ बना दिया। इसको आप मुझे अब इसको करते रहे जब तक ये सुनहरी ब्राउन नहीं हो जाते ना, गोल्डन ब्राउन, इसको तब तक इसको चलाते रहेंगे। गुलाबी सा हो जाएगा। हाँ, गुलाबी सा हो जाएगा फिर भैया आपको इसमें फिर छोले करेगा, कुलचों को फ्राई करें। अरे यार ये तो साथ में अचार भी दे रहे हैं, देखो अचार देते हैं, नींबू देते हैं, मिर्च देते हैं, कमाल है। अच्छा भैया आपकी वैसे टाइमिंग्स क्या होंगी? अच्छा, और आपके प्राइसिंग क्या है आपके छोले कुलचों की लस्सी की? 8 रुपये प्लेट होती है, एक प्लेट में 3 पीस। एक प्लेट में 3 पीस। और लस्सी, मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी की क्या प्राइसिंग है? 40 रुपये ग्लास होता है, दोनों सेम है। अच्छा, दोनों में ड्राई फ्रूट है, एक नमकीन भी है मीठी भी है, दोनों। ओके, खोया भी होता है। ओके जोमेटो भी है। व्यूवर्स जो लोग चाह रहे हैं, जिनको देख देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, वो फटाफट से अपनी जोमेटो की ऐप खोलो। जोमेटो की ऐप खोलते ही उसके अंदर आपको करण जी का नंबर और आउटलेट का एड्रेस भी पता लग जाएगा और क्या क्या आइटम्स इनके पास है। मायापुरी वाले छोले कुलचे, फेमस मायापुरी वाले छोले कुलचे आप जोमेटो पे सर्च करो। सर्च करने के बाद सीधा करण जी के पास आपको ऑर्डर आएगा और विद इन 30 मिनट्स ये टेस्टी टेस्टी जो गर्म हमारे सामने कुलचे बन रहे हैं ना, ये सीधा आपके घर तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, ये कुलचे किस तरह से फ्राई होते हैं अमन जी? यार मैंने फ्राई कुलचे, मतलब मैं सरप्राइज्ड हूँ यार, मैंने कभी नहीं खाए ये। आप ना बिना छोलों के भी खाओगे तो फ्लेवर्ड कुलचे भी कह सकते हो।
ये फ्लेवर्ड कुलचे जो जिस तरह से गार्लिक कुलचा और प्याज कुलचा और सब आता है राइट, जो हमें जो जैसे जिस तरह का हमने वो बबलू चिकन पे हमने कवर किया था। राइट। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आप गाड़ी में भी खा सकते हो और यहाँ भैया ने अलग से शॉप भी ले रखी है बगल में, अब वहाँ पे भी खड़े होकर आराम से खा सकते हो। चलते हैं कुछ कस्टमर के पास, उनका रिव्यू लेते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ आकर और वो यहाँ क्यों आना पसंद करते हैं। तो आओ ये भैया से मिलते हैं। हेलो भैया। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष। आशुतोष भैया, तो आप बताओ आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। उसने रेफरेंस दिया था। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने कहा ट्राई करते हैं क्या है। तो आपको कैसा लगा? आपने पहले लिया क्या? आपने छोले कुलचे लिए और साथ में लस्सी लिए? हाँ जी बिल्कुल। तो आप पहले बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके? सर्विस बहुत अच्छी थी इनकी, सुनना जगह सुना था, वैसे फास्ट सर्विस है, इनको माफी वेट नहीं करना पड़ा मुझे। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट भी इनका मैंने भी ट्राई किया तो टेस्ट भी अच्छा है इनका। और इनके जो फ्राई कुलचे देते हैं, हाँ जी, ये यूनिक है, यहाँ पे यूएसपी है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खा के आपको कैसा लगा? ये भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, कोई इशू नहीं इसके लिए। और ऐसी मतलब हाइजीन का कोई इशू तो नहीं लगा? हाइजीन भी ठीक है। मतलब नॉर्मल प्राइसिंग में आपको ठीक है तो अच्छा कम्फर्टेबल मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए एक और भैया के पास चलते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो भैया। हेलो, क्या नाम है आपका? संजय आनंद। संजय भैया, तो आप बताओ आप यहाँ पे कब से आ रहे हो और आपको कैसा टेस्ट लगा यहाँ पे? मैं तो कम से कम दो ढाई साल से आ रहा हूँ। दो ढाई साल जब ये पहले पुरानी जगह पे लगाते थे। अच्छा, तब से आ रहा हूँ। पहले रेडी लगाते थे? पहले रेडी लगाते थे, अब इन्होंने यहाँ पे शॉप ले ली है, तब से बहुत अच्छा टेस्ट है कुलचे छोले का। और हाइजीन वगैरह कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। और वैसे तो मतलब छोले हर जगह फ्राई मिल जाते हैं लेकिन ये कुलचे भी फ्राई करके देते हैं, तो ये आपको कैसा लगता है यहाँ पे कुलचे इनके? और कहीं आपने ऐसा कुछ खाया है नहीं खाया वो बताओ। देखिए ये जो जिस प्रकार से कुलचों को फ्राई करके देते हैं, वैसे आसपास या मैंने दिल्ली में कहीं वो देखा नहीं है। अच्छा, ये कुलचों को प्याज टमाटर में जैसे लगा के देते हैं उसमें भर के, तो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। चलिए थैंक्स आपका। बारी बारी करके प्लेट्स आ रही हैं, मेरी प्लेट आ चुकी है इस वक्त, मेरी प्लेट आ चुकी है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन पाजी की प्लेट नहीं ना आई। कोई नहीं, एथिकली तो रुकना पड़ेगा। देखो स्वाद देखेंगे, मैड फैट फूडी तीनों इकट्ठे देखेंगे और फिर आपको रिव्यू एक्चुअल बताइए। हम स्टार्ट चीयर्स के साथ। चीयर्स के बिना तो हमारा खाने का मतलब ही नहीं है, चाहे हम पिए चाहे हम खाएं, चीयर्स किए बिना नहीं। तीसरी प्लेट भी हमारे टेबल पे आ चुकी है। टेबल हमारा सज चुका है, टेबल हमारा सज गया है, गर्मा गर्म छोले कुलचे हमारे सामने है। अनियंस का तड़का देख रहे हो? हाँ, प्याज का तड़का। अब चीयर्स करी जाए, अब चीयर्स बिना रोका नहीं जाए। लो जी नमकीन लस्सी। लो सर नमकीन लस्सी भी पहुँच गई है। नमकीन, ये नमकीन है ना, ये नमकीन लस्सी है जी। और ये मीठी नमकीन लस्सी, दोनों में ड्राई फ्रूट डालते हैं और दोनों में बोलते हैं, एक चीज़ और बोल रहे थे क्या डालते हैं इसमें? ये खोया। खोया, खोया लस्सी में खोया कहते हैं, डालते हैं हम। लेट्स सी, चलो पी के खा के ट्राई करके बताते हैं। ट्राई करते हैं, बहुत बातें हो गई। थोड़ा सा पहले नींबू स्प्रेड कर लेते हैं। ज़्यादा खट्टा मुझे तो पसंद है नहीं, गर्म बहुत है। अब चेयर्स करो फटाफट। लो जी आओ अमन जी, आ जाओ और चेयर्स करो। चेयर फूडी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर जब कहीं छोले खाते हैं तो कुलचे ड्राई ड्राई से लगते हैं, वो नहीं है? वो नहीं है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है तड़का जो उन्होंने लगाया, हाँ उसका मजा आया। पर तड़का भी पूरा पका हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको कच्चे 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 प्याज और टमाटर मुँह में आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल पके हुए हैं। बिल्कुल पके हुए जैसे। एक बाइट और लेते हैं साथ में। प्याज मैं तो एक तो पहले ले चुका हूँ, मैं से रुका नहीं गया।
बाद में प्याज डाल। एकदम गरम है बहुत। बिरयानी तो वैसे उतर 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 दिया, लेकिन वेटिंग करनी पड़ी हमें। ये प्याज के परौंठे बन सकते हैं ऐसा प्याज है। हाँ बिल्कुल जी। आओ अब लस्सी भी ट्राई कर लीजिए। लस्सी को खोलना पड़ेगा फिर। लस्सी खुली हुई है जी, एक साइड से खोल के दिए भैया। हाँ चलो इसे भी चेयर्स कर लें। कर लेते हैं, कर लेते हैं। बनता तो है। चलो 1 2 3 चेयर्स। बिल्कुल ऑथेंटिक है बिल्कुल। कुछ अभी खाने के बाद मजा आ रहा है। छोले कुलचे पे अफीम का काम भी कर दिया और नींद आपके बाद तो सीधा नींद आने वाली है मुझे लगता है। मैं तो सीधा अब एसी चला के सोने वाला हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर और इतना अच्छा खाना खाने को मिल गया है। इसके बाद अगर 2 घंटे की नींद हो जाए ना तो सोने पे सुहागा है बिल्कुल। तो हाँ भैया खा के तो मज़ा आ गया। आप बताओ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे, उनको इनवाइट करना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ यहाँ पे आइए और टेस्ट का मज़ा लीजिए। चलो दोस्तों तो बिल्कुल आप यहाँ पर आओ और यूनिक छोले कुलचे ट्राई करो। अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।